नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। तो टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का बीते गुरुवार को निधन हो गया। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम करने के बाद शुक्रवार को उनका ओशिवारा शमशान घाट में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के मामले में अब एक FIR दर्ज कर दी है। ये FIR एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट के तर्ज पर की गई है। इसको लेकर अब खबर आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के दिन ही एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर देनी चाहिए थी, हालांकि ये थोड़ी सी बाद में हुई है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर्स ने पुलिस को सूचना दी थी। डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ शुक्ला की एक्सीडेंट से मौत का कारण खारिज कर दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी नेचुरल डेथ हुई है, इसलिए नेचुरल डेथ मानकर एक दो दिन में जाँच बंद कर दी जाएगी। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद उनके तमाम चाहने वाले सदमे में हैं। उनको भरोसा नहीं हो रहा कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ शुक्ला के लिए रोती हुई एक लड़की का वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। वहीं एक फीमेल फैन पार्शियल कोमा में भी चली गई है, ऐसा भी बताया जा रहा है। अब इन सारी चीज़ों को देख कर इस पूरे मामले पर FIR दर्ज की गई है और इसको एक्सीडेंट के मामले से भी अब जो है देखा जाएगा कि क्या ये वाकई में एक नेचुरल डेथ थी या ये एक एक्सीडेंटल डेथ थी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर अब जो है कार्रवाई भी होगी। दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। फोरेंसिक रिपोर्ट को अभी भी 20 से 25 दिन लग सकते हैं और उस रिपोर्ट के बाद ही ये पूरी तरह से साफ हो पाएगा कि आखिरकार सिद्धार्थ के साथ क्या हुआ। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ साफ हुई है कि उनके शरीर पर किसी भी तरह का कोई घाव नहीं दिखे हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर क्या चल रहा था ये फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।